हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिकी वाफेडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फिर से एक इंडियन आर्मी का नया भर्ती लाया हूं। दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है। अंदर कौन सी स्टेट में होगा, मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में अभी समझाने वाला हूं। उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, इंडिया में जितना भी स्टेट है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी स्टेट सभी डिस्ट्रिक्ट का लगभग इंडियन आर्मी का रैली का डेट निकल चुका है। मैंने बहुत सारे स्टेट्स का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप लोगों ने अगर आपका स्टेट का या आपका डिस्ट्रिक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए या आप मेरे वेबसाइट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि मैं इसी टाइप वीडियो तभी प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा दोस्तों। नहीं तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग को इस पेज पे आ जाओगे। ये है रिकी वाफेडी की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज, इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना दोस्तों। आप लोगों को आज का जो वीडियो है ये है मिजोरम का है दोस्तों, मिजोरम की स्टेट में होने वाला है ये रैली। तो दोस्तों, आप लोगों को सभी स्टेट्स का वीडियो अगर ये देख लीजिए, सभी स्टेट्स का वीडियो आप लोगों को इधर मिल जाएगा, सभी स्टेट का, इंडिया में जितना भी स्टेट है सभी का मिल जाएगा। इधर आपको नहीं मिला तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो इधर जो रीड मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करते आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ डिटेल बाहर आ जाएगा। दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या आता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी रैली आइजावी मिजोरम में होगा दोस्तों। ये 2019-20 का रैली है दोस्तों। ये स्टेट का नाम है मिजोरम, यानी कि दोस्तों मिजोरम में होगा दोस्तों। जो ARO है, ये आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जोरहाट का है दोस्तों, जो ARO है, ठीक है। और दोस्तों, जो रैली का प्लेस है आइजावे, जो मिजोरम में है, आइजावे मिजोरम में जो है इसमें होगा, ठीक है, रैली प्लेस वो है। और दोस्तों, इस पोस्ट के लिए, ये इस रैली के लिए दोस्तों, मिजोरम का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वही सिर्फ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिजोरम की जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वही, उसके अलावा कोई भी स्टेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट उसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके लिए आप लोग को एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसा फोर्स है जिसमें आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, इसके लिए आप लोग को पोस्ट जनरल ड्यूटी का मिल रहा है, सोल्जर टेक्निकल का मिल रहा है, नर्सिंग असिस्टेंट का मिल रहा है, सोल्जर क्लर्क का मिल रहा है, स्टोरकीपर का मिल रहा है, सोल्जर ट्रेडमिल का आप लोग को पोस्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को अगर जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 45% होना ही पड़ेगा। अगर आप 10 पास हो, 45% और एवरी सब्जेक्ट, अपने आपका जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में आपको 33% होना ही पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 33 होना पड़ेगा सब एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप पहले ऐसा आता था, अगर आप HS कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने तो आप लोग दे सकते हो GD में, परसेंटेज का ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका अगर HS भी कंप्लीट कर लिया तब भी आपका एवरी सब्जेक्ट आपको 33 होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर सोल्जर टेक्निकल में अगर जाना चाहते हो तो आपको 10+2 चाहिए, प्लस आपका फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको 50% आप लोगों को परसेंटेज होना पड़ेगा और एवरी सब्जेक्ट आपको 40% होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नर्सिंग असिस्टेंट में जाना चाहते हो, उसमें भी आप लोगों को सेम है, आपका साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, प्लस आपको 50% होना पड़ेगा और एवरी सब्जेक्ट आपको 40% लाना होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप क्लर्क में जाना चाहते हो, क्लर्क का थोड़ा अलग है दोस्तों। अगर आप क्लर्क में जाना चाहते हो, आपको 10+2 चाहिए, प्लस आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, ये डिपेंड नहीं करता, सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का परसेंटेज, आप लोग को 60% आप लोग को परसेंटेज होना पड़ेगा और एवरी सब्जेक्ट आपको 50% होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप 10 पास हो तो GD ट्रेडमेंट में कई सारी पोस्ट होता है, जैसे कि स्वीपर, हाउसकीपर, बार बार
टेलर, ऐसा बहुत सारी पोस्ट होता है ना। अगर आप 10 पास हो ना, सभी पोस्टों में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 8 पास हो ना, तो आप 2 ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि हाउसकीपर और मेस कीपर में ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप 10 8 पास हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग को 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में अगर आपका एज है, तो आप जनरल ड्यूटी में जा सकते हो। उसके अलावा जो भी पोस्ट है, जो भी अलग पोस्ट है ना, उसमें आप लोग को 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, इंडियन आर्मी में कोई भी रिलैक्सेशन आप लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका हाइट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपका हाइट अगर जीडी क्लर्क टीडीएन यानी कि ट्रेडमैन एसकेटी आप लोग जो उसमें जाना चाहते हो, तो 160 आपका हाइट होना चाहिए। और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में जाना चाहते हो, तो 157 आपका हाइट होना पड़ेगा। और वेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 48 kg आपका वेट होना पड़ेगा। और चेस्ट आप लोग को नॉर्मल 77 और 5 इंच आपको फुलाना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट के में आपको रनिंग करवाया जाता है। आप लोगों को शायद पता होगा 1600 मीटर का आपको रनिंग करवाया जाएगा। उसमें दोस्तों 2 हिस्से में लिया जाता है, जैसे 5 मिनट 30 सेकेंड के बीच में अगर आप आते हो, तो आपको 60 मार्क मिलेगा, यानी कि एक्सीलेंट माना जाएगा। अगर आप 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में आते हो, तो आपको 48 मार्क मिलेगा, यानी कि आप सिर्फ क्वालिफाई हो गए, ठीक है। एक्सीलेंट होने से क्या होता है दोस्तों, अगर आपका मार्क ज़्यादा होता है ना, तो आपको नौकरी मिलने का चांसेस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दोस्तों पुल अप्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पुल अप्स में आप लोगों को अगर आप 10 सेट लगाते हैं, तो आपको एक्सीलेंट माना जाता है। अगर आप 10 सेट लगाते हो, तो आपको 40 मार्क मिलेगा। और अगर 9 सेट लगाते हो, 33 मार्क। 8 सेट लगाते हो, 27 मार्क्स। 7 सेट लगाते हो, 21 मार्क्स। 6 सेट सबसे कम 6, उससे अगर एक अगर नहीं लगा पाते हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 सेट भी नहीं लगा पाते हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों लॉन्ग जंप आपको 9 फीट के आपको इस तरह से गड्ढा होगा, उस गड्ढे से आप लोगों को छलांग लगाना आता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी लगा सकते हैं इसमें। और दोस्तों जिगजैग बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग देखा जाता है दोस्तों, इस तरह से एक लकड़ी देकर रखा होगा 2 फीट ऊपर, उसमें से धीरे धीरे आपको चढ़ कर जाना है, आप क्वालिफाई हो जाएगा। ये टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेडिकल में क्या क्या होता है वो जानकारी चाहिए ना, इसमें आप लोग को एक लिंक मिलेगा, इसी टाइप का एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक करके आप मेडिकल में क्या क्या टेस्ट करवाया जाता है, उसका पता आप लगा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा हूँ, जिसमें जिस वीडियो को 52 लाख लोगों ने देखा है। आप लोग भी एक बार विजिट कर लीजिएगा, किस तरह से मेडिकल करता है सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिटेन टेस्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये दोनों के लिए मैं सब कुछ वीडियो इंडियन आर्मी की रिलेटिव कोई भी वीडियो आप लोगों को जानना जानकारी कोई भी क्वेश्चन हो ना आपके मन में, उसके रिलेटिव आप लोगों को वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, उसके रिलेटिव आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिए दोस्तों, ऑनलाइन जो अप्लाई होगा ना दोस्तों, ये 19 सेप्टेम्बर 2019 में होगा। 19 सेप्टेम्बर 2019 में ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा, और वो ख़त्म होगा 2 अक्टूबर 2019 में, वो अप्लाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड आप लोग को ईमेल के द्वारा आप लोग को बता दिया जाएगा ईमेल में, ठीक है। और दोस्तों जो रैली होगा, रैली का डेट दोस्तों 18 नवंबर से लेके 22 नवंबर के बीच में आपका रैली होगा। उसी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 5 दिन आगे आ जाएगा, 18 डेट के 5 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसमें आप लोग को किस ग्राउंड पे होगा, कब होगा, सब कुछ आप लोग को डिटेल आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है ना, ये है ऑनलाइन अप्लाई का लिंक। इस लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, खुद अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आप खुद अप्लाई करना नहीं आता है दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ना दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल में खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बता के इसमें वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखकर आप खुद अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आप नया कैंडिडेट हो ना, तो आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग को ये वाला वीडियो देख लेना, इस वीडियो को देखकर आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद आप अप्लाई खुद कर सकते हो। अगर पुराने कैंडिडेट हो, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखिए और इस लिंक को फॉलो करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साइड में जो बेल का आइकन है, उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों। इसी टाइप की वीडियो तभी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ दोस्तों, जब आप लोग इंटरेस्ट दोगे मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा,
दोस्तों अभी लाइक व्यूज़ बहुत कम आ रहा है दोस्तों, जो भी फेक न्यूज़ प्रोवाइड कराता है ना उसका जी व्यूज़ भी ज़्यादा आता है, लाइक भी ज़्यादा आता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक भी फेक न्यूज़ आप लोगों को अभी तक नहीं प्रोवाइड किया है। आप लोग जितना भी मेरे यूट्यूब में जितना भी वीडियो है आप लोग देख सकते हो, एक भी मैंने फेक वीडियो नहीं छोड़ा है दोस्तों, आप भी देख सकते हो। लेकिन जो फेक न्यूज़ प्रोवाइड कराता है ना उसको व्यूज़ मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को सही न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूँ ना, इसीलिए मुझे व्यूज़ नहीं मिलता है। आप लोग देख लीजिए प्लीज़ वीडियो को देखना दोस्तों, आपका काम का हो कि नहीं हो वीडियो को देखकर लाइक कर देना। 1 मिनट देखने से आपका कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों, थोड़ा मेरा हेल्प हो जाएगा, बस आपका भी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मुझे एक हेल्प कर दीजिए हेल्प, ठीक है दोस्तों।